हेलो मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर वीडियो तो गाइस। गाइस, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने फोटो में ब्लैक अर्बन टोन दे सकते हैं। गाइस, ये वीडियो बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आपको फोटो एडिटिंग सीखना है सच में दोस्तों, तो फिर वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस, हम आ गए हैं लाइट रूम ऐप में और ये है हमारा रॉ फोटो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो सबसे पहले हम अपने फोटो का लाइट करेक्ट कर लेंगे, तो चलिए करते हैं। तो गाइस, हमने अपने फोटो का लाइट काफ़ी हद तक करेक्ट कर लिया, तो देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कितना डार्क था दोस्तों, और अभी कितना अच्छा लाइट हो गया है। तो फिलहाल लाइट हमने काफ़ी हद तक करेक्ट कर लिया है, तो चलिए बाकी का प्रोसेस करते हैं, तो वीडियो को देखें दोस्तों। तो दोस्तों, लाइट करेक्ट करने के बाद आप चलते हैं कलर वाले ऑप्शन में। बाकी का फंडा दोस्तों वहीं पर होगा, सारा खेल वहीं का है, थोड़ा सा वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे। तो गाइस, कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद हमें बस ये फर्स्ट और सेकंड कलर छोड़ के बाकी सभी कलर का जो सेचुरेशन है उसको डीसेचुरेट कर देंगे। तो फिर जल्दी से करते हैं, सबसे पहले हम अपना स्किन टोन ठीक कर लेते हैं। तो इसको मैं इतना रखता हूँ और सेचुरेशन को -36 कर देता हूँ, और फिर ल्यूमिनेंस को जो है 4750 के अराउंड रखता हूँ ताकि मेरा स्किन टोन जो है सही से रहे। तो इतना मुझे अपना स्किन टोन सही लग रहा है। अब चलते हैं बाकी जितने सारे कलर्स हैं, इन सारे कलर्स की जो सेचुरेशन है सभी को जो है डीसेचुरेट कर देंगे। ये लास्ट वाले कलर को मैं थोड़ा सा ये करके रखूँगा क्योंकि ये मेरा शर्ट का कलर है, तो अराउंड इसको 40 रखते हैं, 40 15। तो गाइस, मैंने यहाँ पे सारे कलर कलेक्शन कर लिए हुए हैं, तो यहाँ का काम खत्म हो गया है। अब चलते हैं यहाँ कलर व्हील पे, अब देखते हैं सारा कमाल यहीं का है दोस्तों। तो कलर व्हील में सबसे पहले हम अपने शेडो का जो सेचुरेशन बढ़ा लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कलर्स जो मैं चेंजेस करूँगा। तो ह्यू को जो है 132 130 के अराउंड रखते हैं, उसके बाद सेचुरेशन को जो है कम कर लेते हैं थोड़ा सा, ल्यूमिनस को भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं 20 के अराउंड रखते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं हाइलाइट्स में, हाइलाइट्स का भी सेचुरेशन बढ़ा लेते हैं ताकि मैं जो चेंजेस करूं वो हमें दिखाई दे। तो हाइलाइट्स का जो ह्यू है उसको हम यहाँ रखते हैं अराउंड 25, और सेचुरेशन को फिर से हम कम कर लेते हैं ताकि ज़्यादा ना लगे। तो सेचुरेशन को 10 11 12 कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ 10 रखता हूँ। ल्यूमिनस को हम नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही रहेगा। तो गाइस, लगभग हमारा फ़ोटो एडिट हो चुका है, देख सकते हैं किस तरह से हमारा फ़ोटो ये रॉ से हमारे अर्बन टोन में आ रहा है। तो फिर चलिए चलते हैं बाकी का प्रोसेस करते हैं। लगभग कलर के बाद दोस्तों आते हैं इफेक्ट में, इफेक्ट में आने के बाद थोड़ा क्लैरिटी बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा विंटेज कर लेते हैं ताकि और भी हमारे फ़ोटो में ब्लैक डार्क टोन आ जाए। तो मैं विंटेज को जो है अराउंड 25 रखूँगा। दोस्तों आते हैं डिटेल में, यहाँ पे अपने फ़ोटो में डिटेल्स लाने के लिए शार्पनेस को बढ़ा लेते हैं। तो फ़ोटो को शार्प करते हैं, 100 कर लेता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे मास्किंग कर लेते हैं ताकि हमारा वही एरिया जो शार्प हो जो मैं करना चाहूँगा, जो जो एजेस है बस मैं एजेस को ही मैं शार्प करना चाहूँगा। तो मैं इसको मास्किंग कर लेता हूँ, तो मैं इतना रखता हूँ 23। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों थोड़े थोड़े ग्रेन्स है हमारे फ़ोटो में, तो उसमें ग्रेन्स हटाने के लिए, नॉइज़ हटाने के लिए ये नॉइज़ कैंसिलेशन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो गाइस, लगभग लगभग हमने सारा प्रोसेस कर लिया है। अब अपने फेस का लाइट थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो फेस थोड़ा डार्क डार्क लग रहा है, तो चलिए फेस एडिट करते हैं थोड़ा सा। तो गाइस, फेस का लाइट बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले ये मास्किंग वाले ऑप्शन में आते हैं, यहाँ से जाके रेडियल ग्रेडियंस लेते हैं और यहाँ से अपने फेस पे मार्क कर लेते हैं जिस फेस को ब्राइट करना है उतना हम ले लेते हैं। ये मैं इतना ले लिया, और करने के बाद हम जो है एक्सपोजर बढ़ाएंगे और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी डालेंगे ताकि थोड़ा नेचुरल लगे। तो गाइस, मैंने अपना पूरा फोटो एडिट कर लिया, देख सकते हैं आप बिफोर एंड आफ्टर, ये रहा बिफोर और ये रहा आफ्टर। तो गाइस, मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया। गाइस, तो जाओ अपने अपने फोटो में प्रैक्टिस करो, और अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते मेरे तरह आलसी है, तो फिर गाइस डिस्क्रिप्शन में मैं इसका प्रीसेट्स फाइल दे दिया हूँ, तो गाइस जाके डाउनलोड करो और अपने फोटो में पेस्ट करो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में।